आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप जैसा जानते हैं, समापन सत्र में हम संगीत की उन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते हैं जहां सिर्फ आप होते हैं, संगीत होता है और होता है एक विशिष्ट अनुभव। जी हां, आज के इस समापन सत्र में हम दो प्रमुख कलाकारों को लेकर आपके समक्ष आए हैं। डॉक्टर स्वाति अग्रवाल जो प्रस्तुत करेंगी कथक नृत्य और संगीत के एक उत्कृष्ट कलाकार, ऊंचे पायदान पर जिनके नाम से ही हम सभी रोमांचित हो उठते हैं। जी हाँ, पंडित मणिप्रसाद जी। पंडित मणिप्रसाद जी, जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान रंग पिया के नाम से रचनाएं संगीत जगत में जिनकी विख्यात हैं, उनका शास्त्रीय गायन होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समापन सभा परम श्रद्धेय गुरु श्री एमएल कौसर जी की स्मृति में आयोजित है। गुरु श्री एमएल कौसर जी जो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के संस्थापक हैं, संगीत के प्रचार के लिए सन 1965 से समर्पित ये विश्वविख्यात संगीत संस्था है। परम श्रद्धेय आदरणीय कौसर साहब जी संगीत जगत के ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्राचीन कला केंद्र की स्थापना कर एक ऐसे संगीत के मंदिर का निर्माण किया जहां हम सब निष्ठा भाव से संगीत की साधना करते हैं। श्रद्धेय कौसर साहब ने भारतीय संगीत के साधकों के लिए एक ऐसा सशक्त मंच स्थापित किया जहां ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं जो उस मंच पर न आया हो। प्राचीन कला केंद्र के माध्यम से परीक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ कर नवीन साधकों के लिए सशक्त मार्ग प्रशस्त किया। इस मिशन को साकार रूप देने के लिए आपकी धर्मपत्नी और विश्वख्यात नृत्यांगना आदरणीय डॉक्टर शोभा कौसर जी और उनके सुयोग्य सुपुत्र श्री सजल कौसर जी अपनी समर्पित सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं। हम श्रद्धेय कौसर साहब को विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने संगीत के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान दिया है और सक्रिय रचनात्मक दिशा प्रदान की है। निनाद संगीत महोत्सव की समापन सभा हम आपको समर्पित करते हैं। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और संगीत कला केंद्र आगरा का लंबे अरसे से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध रहा है और दोनों संस्थाएं मिलकर निरंतर प्रतिवर्ष श्रेष्ठ संगीत के आयोजन करती रही हैं और उसी क्रम में ये अंतिम सभा प्रस्तुत है आपकी सेवा में। इस समापन सत्र की शुरुआत हम करते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है, दीप प्रज्वलन से। माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें। मैं सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती रानी सरोज गौरिहार जी, सम्मानित सदस्य श्रीमती वत्सला प्रभाकर जी, संस्था के उपाध्यक्ष श्री अनिल वर्मा जी और प्रबंध न्यासी सचिव श्रीमती प्रतिभा केशव तलेगांवकर जी। माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही अनुरोध है आप सभी अतिथियों से कि गुरु श्री एमएल कौसर जी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें जिससे हम विधिवत इस समापन सत्र का शुभारंभ कर सकें। सभा एमएल कौसर साहब को समर्पित है। कौसर जी का हम लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है
वो ही नहीं, वो और उनकी पत्नी शोभा निरंतर हम लोगों की सहायता, हम लोगों का सहयोग करती रही हैं। वे खुद भी बड़े संगीतज्ञ थे और संगीत में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो आज ये सभा उनको समर्पित करते हुए हम उनको नमन करते हैं। आज अंतिम सभा है, तो आज के कार्यक्रम में आने वाले सब कलाकारों को मैं स्वागत करती हूँ, वंदना करती हूँ और आशा करती हूँ इसी प्रकार सब लोग शामिल होंगे, सहायता करेंगे और हम लोगों को आनंदित करेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने गुरु को याद करते हुए। जी हाँ, अच्युतम केशवम, ये पूरा कार्यक्रम समर्पित है संगीत नक्षत्र परम श्रद्धेय गुरुवर पंडित केशव तलेगांवकर जी को, और संस्था के छात्र अपने भाव सुमन अर्पित कर रहे हैं परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में। ग्वालियर घराने की पारंपरिक रचना है गुरु बिन कैसे गुण गावे, राग यमन में आधारित इस रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं आर्येश अदम्य, मृदुल सिंह और खुशी सिंह। इन नन्हे सुमनों को तैयार किया है श्रीमती प्रतिभा केशव तलेगांवकर ने।
इस अवसर पर संस्था अपने विद्वान मनीषियों का सम्मान भी करती है, और इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे सम्मानित अतिथि कलाकार पंडित मणि प्रसाद जी के बारे में, जो उनका सम्मान पत्र है वो मैं पढ़ना चाहूँगा, जिन्हें ये संस्था पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी की स्मृति में स्थापित संगीत नक्षत्र सम्मान से सम्मानित करने जा रही है। पंडित मणि प्रसाद जी के सम्मान में ये अभिनंदन पत्र। आपके द्वारा की जा रही शाश्वत नाद की अनवरत सेवा, संरक्षण एवं समर्पण भाव को हम नमन करते हैं। पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी ने संगीत के प्रति सत्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से संगीत रूपी ब्रह्मांड में नक्षत्र की भांति संपूर्ण जगत को ज्योतित किया। ऐसे बहु प्रतिभावान स्तुत्य एवं यशस्वी देवमूर्ति को स्मरण कर आपकी सतत साधना को हम वंदन करते हैं। संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपकी विशिष्ट उपलब्धि हेतु पंडित केशव तलेगांवकर जी के पूर्ण स्मरण में स्थापित संगीत नक्षत्र के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। एक और सम्मान पत्र। सम्मानीय विद्वत संगीत मर्मज्ञ पंडित सुनील मोदी जी, जिन्होंने सूरत के प्रणव पारिजात ट्रस्ट की स्थापना की थी, उनके सम्मान में आदर्श संगीत प्रसारक सम्मान। अभिनंदन पत्र। आपने चिरंतन शाश्वत नाद की सतत साधना के माध्यम से संगीत के प्रचार एवं प्रसार में रचनात्मक योगदान दिया है, जिससे संपूर्ण समाज लाभान्वित हुआ है। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी ने स्वयं को जीवन पर्यंत संगीत कला के प्रसार हेतु समर्पित कर संगीत जगत को सृजनात्मक चिंतन देने का भागीरथ कार्य किया। संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपको विशिष्ट उपलब्धि हेतु पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी की पूर्ण स्मृति में स्थापित आदर्श संगीत प्रसारक के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। संगीत सेवी सम्मान। ये सम्मान हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती मालती मधुकर कुलहरकर, जो मुंबई की घाटकोपर संगीत विद्यालय की निदेशिका हैं। आपकी संगीत के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति अपार निष्ठा, लगन एवं कठिन परिश्रम से सांगीतिक प्रांगण को अभिसिंचित किया है। श्रीमती सुलभा तलेगांवकर द्वारा आगरा में संगीत के क्षेत्र में संरक्षण हेतु विशेष कार्य किया गया। संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपकी संगीत सेवा हेतु संगीतज्ञ श्रीमती सुलभा तलेगांवकर, संस्थापिका पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट की पूर्ण स्मृति में स्थापित संगीत सेवी सम्मान के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सम्मान संस्कृत संवाहक। ये हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री विनोद जोशी के प्रति। जो राजस्थानी संस्कृति एवं परंपरा के विशेषज्ञ हैं। भारत की लोक संस्कृति विशेषतः राजस्थानी परंपराओं एवं सांस्कृतिक धरोहर के उन्नयन हेतु आपके द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों से प्रभावित होकर संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपको विशिष्ट उपलब्धि हेतु पंडित नारायण शंकर अत्रे,
सुगम संगीत गायक की पुण्य स्मृति में स्थापित संस्कृति संवाहक के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। सम्मान संगीत कला संवर्धक हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती हेमा हरबोला जी के प्रति। जो हल्द्वानी की संस्था सरस्वती संगीत कला संस्थान की निदेशिका हैं, आपके द्वारा संगीत कला संस्कृति संवर्धन हेतु किए जा रहे सार्थक प्रयासों से प्रभावित होकर संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपको विशिष्ट उपलब्धि हेतु श्री पुरुषोत्तम बालकृष्ण श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में स्थापित संगीत कला संवर्धक के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। संगीत कलानुरागी सम्मान हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अशोक कुमार शास्त्री एवं श्रीमती चंद्रकांता आर जी के प्रति, जो आर्य समाज के धर्माचार्य और संगीत रसिक हैं। संगीत कला के अनन्य प्रेमी, संगीत रसिक, संगीत कला के प्रति आध्यात्मिक प्रज्ञा एवं समर्पित श्रवण कला आदि विशिष्ट गुणों से प्रभावित होकर संगीत कला केंद्र आगरा तथा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत सम्मेलन के 56वें सांगीतिक अनुष्ठान के अंतर्गत आपको विशिष्ट उपलब्धि हेतु संगीत रसिक श्री बनारसी दास खंडेलवाल जी, पूर्व सचिव संगीत कला केंद्र की पुण्य स्मृति में स्थापित संगीत कलानुरागी के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पंडित केशव तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा कला केंद्र में सम्मानित होकर मैं इस कला केंद्र के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ये अपनी चरम सीमाओं पर, ऊंचाइयों पर ऊपर ही ऊपर उठे, ऐसी मेरी मनोकामना है। इस ट्रस्ट के लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ कि इस कला केंद्र में सम्मानित होकर के। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा, संगीत कला केंद्र आगरा एवं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पुण्य स्मृति में आयोजित संगीत महोत्सव निनाद के इस सत्र में सबसे पहले हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल जी का कथक नृत्य। नई पीढ़ी की उभरती हुई कथक नृत्यांगना डॉक्टर स्वाति अग्रवाल 6 वर्ष की उम्र से ही नृत्य के प्रति उनका विशेष झुकाव रहा है। कथक की विशिष्ट शैली उनकी नृत्य के प्रति विशेष रुझान को दर्शाती है। आप अपनी कला की शुद्धता और पारंपरिक शैली का विशेष ध्यान रखती हैं, इसी कारण आपने कथक जगत में अपना विशेष सम्मान अर्जित किया है। जयपुर घराने के पंडित गिरधारी महाराज जी से 6 साल की उम्र से आपने कथक की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। अपने नृत्य के माध्यम से भाव व्यक्त करना आपकी प्रभावशाली विशेषता है।
आपने कई कथक कार्यक्रम निर्देशित किए हैं। कथक रस वर्षा ये कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी के सहयोग के साथ, कथक केंद्र दिल्ली के साथ आपने निर्देशित किया है कथक उत्सव, और जवाहर कला केंद्र जयपुर के साथ आपने निर्देशन किया है नृत्यम कार्यक्रम का। आपने हाल ही में राजस्थान के कुंभलगढ़ उत्सव में प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित किया है, जो एक गौरव की बात है। कुशल नृत्यांगना होने के साथ साथ आप एक कुशल निर्देशिका भी हैं। जयपुर कथक केंद्र दूरदर्शन से आपके कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। अग्रवाल एजुकेशन कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की आप उप संस्थापक हैं, जो कि भारतीय कलाओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य करती रहती है, जो सेवा भाव के रूप में किया जाता है। वर्ल्ड डांस डे के दिन आप नृत्यम डांस फेस्टिवल का आयोजन भी करती हैं। आपने सन 2004 में जयपुर में नृत्य संस्था IIKDM की स्थापना की है। आइए आनंद लेते हैं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल के कथक नृत्य का। धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम के आयोजक पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा, संगीत कला केंद्र आगरा और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ को। आज मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि श्री ML कौसर जी के स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने नृत्य के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। आज मैं अपने नृत्य का प्रारंभ शिव स्तुति से करूंगी, जिसे श्री राम सिंह जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तब उसके बाद ताल त्रिताल में शुद्ध कथक नृत्य प्रस्तुत करूंगी। अपने गुरुजी पंडित श्री गिरधारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर आप सभी से आज्ञा लेकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगी। धन्यवाद। Vishal
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपने वर्चुअल प्रेजेंस से मेरे इस कार्यक्रम को देखा। ये था डॉक्टर स्वाति अग्रवाल का कथक नृत्य। इस अवसर पर संस्था आपको संगीत कला गौरव सम्मान से विभूषित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। संगीत महोत्सव निनाद डिजिटल म्यूजिक फेस्टिवल 2020 में आपका पुनः स्वागत है। और अंतिम सत्र में आइए चलते हैं संगीत की उन ऊंचाइयों की ओर जहां आप होते हैं, संगीत होता है और होता है एक विशिष्ट अनुभव जहां आनंद का अतिरेक होता है। हम आपको ले चल रहे हैं संगीत उन ऊंचाइयों की ओर जहां आप अपने आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है। जी हां, आज इस सत्र में हमारे साथ एक विशिष्ट कलाकार हैं, पंडित मणि प्रसाद जी, जिनका नाम आते ही हमारे मन में बहुत कुछ अपने आप अनेक तरह के भाव उठने लगते हैं। जो ध्यान रंग पिया के नाम से अपनी रचनाएं भी उन्होंने प्रस्तुत की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित मणि प्रसाद जी का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। आपको संगीत विरासत में प्राप्त हुआ। आपके पिता पंडित सुखदेव प्रसाद जी ने आपने संगीत की शिक्षा प्रारंभ कराई। पंडित सुखदेव प्रसाद जी ने संगीत की शिक्षा कैराना घराने के संस्थापक बंधु उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और उस्ताद वाहिद खान साहब से प्राप्त की। आपने अपने पिता के साथ संपूर्ण भारत में अपनी सांगीतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अतिरिक्त आपने अपने दादाजी पंडित शक्तिलाल व अपने चाचा जी पंडित शंकर लाल एवं गोपाल प्रसाद जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च श्रेणी के कलाकार हैं। पंडित जी ने अपनी बंदिशें व रचनाएं ध्यान रंग पिया के नाम से प्रस्तुत की हैं तथा आपने कई नवीन रागों की भी रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं हमन कल्याण, हमानी तोड़ी, शिव कौंस और भूपेश्वरी। आपके प्रमुख शिष्यों में विदुषी सविता देवी, रोली गांगुली, रमेश झूले, रवि झूले, उमा गर्ग, चंदनलाल आदि जैसे प्रमुख नाम हैं। कुछ वर्षों से आप कर्नाटक सरकार द्वारा हुबली में स्थापित विदुषी गंगूबाई हंगल जी के गुरुकुल में अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। निनाद डिजिटल संगीत महोत्सव में आपके साथ सहोदर रूप में आमंत्रित हैं पंडित प्रवीण करकरे, जो कि तबले के विख्यात कलाकार हैं और आपने तबले की शिक्षा पंडित सुधीर मानेकर जी से प्राप्त की है। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं आपके सुयोग्य शिष्य और सुपुत्र दीपक प्रसाद जी। आइए स्वागत करते हैं पंडित मणि प्रसाद जी का। पंडित रघुनाथ चलेगांवकर जी बहुत अच्छे विद्वान कलाकार थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। आज उन्हीं के इसमें ये संगीत का हो रहा है, आयोजन हुआ है, तो मैं उसके अंदर गा रहा हूँ। Yeah.
Bana bana
Nagar, 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 Nag
जल भेदे मोरी नदिया जल भेदे मोरी
से कहूँ अब जिया की बात सके पियावे हाय चांदनी रात Yeah.
Yeah.
संगीत कला केंद्र आगरा एवं पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट निरंतर संगीत के उत्कृष्ट आयोजन करते रहते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे दिए गए हैं। आप निरंतर हमसे जुड़कर संगीत के इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आज 56वें निनाद का ये समापन समारोह है। सबने एक से एक उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी हैं। आदरणीय केशव जी जहां भी होंगे उनका मन आज बहुत प्रसन्न होगा कि एक जो मैंने शुरुआत करी थी उसको आप लोगों की लगन ने, आप लोगों की मेहनत ने कहीं भी उस पर विराम नहीं आने दिया है। एक संगीत के आराध्य के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती है। मेरा हार्दिक नमन है उन सभी लोगों को जो इससे आज जुड़े और पूरे इस कार्यक्रम को 2 दिन के लिए आप लोगों ने उसे अपना कार्यक्रम समझ के
और इस परिवार का साथ दिया, जिसके लिए हार्दिक धन्यवाद है। और आगे भी यही ईश्वर से प्रार्थना है और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि इस परिवार के साथ उसी प्रकार से अनवरत जुड़े रहिएगा जिस प्रकार से आदरणीय केशव जी के सामने जुड़े थे। यूट्यूब को धन्यवाद, सभी डिजिटल चैनल्स को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इतना सहयोग मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी लोगों का जिन्होंने आगे बढ़कर हम लोगों का साथ दिया है, अपने आप हम लोगों से कहा कि आइए हम आपके साथ हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिवसीय निनाद कार्यक्रम का 30वीं सभा का ये समापन समारोह है। तीनों सभाओं में कलाकारों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी, सभी लोगों का, कलाकारों का आप लोगों ने आनंद उठाया होगा। इस बार हमारी प्रतियोगिता का कार्यक्रम नहीं हो पाया किसी कारणवश, थोड़ा सा परिस्थिति भी ऐसी थी, थोड़ा सा माहौल भी ऐसा था कि ये प्रतियोगिता का कार्यक्रम इस बार संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम फिर भी चला। पहला दिन केशव जी के जन्मोल्लास के कार्यक्रम के रूप में और बाकी 2 कार्यक्रम जो हमेशा निनाद के होते आए हैं उसी तरह से हुए हैं। मैं सभी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा परिवार, इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि केशव जी नहीं थे तो सब काम इतना लोगों में बटा और सब लोगों ने बहुत अपनेपन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और काम किया। मेरे परिवार के बच्चों जिन्होंने मैगजीन में लेख लिखे, ट्रांसलेशन किया, उसके बाद बच्चों ने जो क्लास के विद्यार्थी थे उन्होंने प्रार्थनाएं गाई, उन सबका बच्चों का बहुत आभार। हमारे संस्था की जो सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, सभी लोगों के मिलके जुलके कार्यक्रम हुआ और सब लोगों ने अपना अमूल्य समय देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ। अगले वर्ष भी हम इसी तरह से फिर मिलेंगे और इसी उत्साह से, इसी जोश से केशव जी के सभी कार्यक्रमों को, रघुनाथ जी के सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और ये कार्यक्रम इसी तरह चलते रहें, आप लोग के सहयोग से यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। आज 56वां निनाद कार्यक्रम के लिए अंतिम सभा है, समापन समारोह है। अगले वर्ष भी हम आशा करते हैं और विश्वास के साथ कि इस कड़ी में हमारा साथ देते हुए और हमारे आदरणीय भाई साहब की आत्मा को शांति देते हुए इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा साथ जुड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को भलीभांति सुना और सभी रसिक प्रेमियों को, सभी पार्टिसिपेट करने वालों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ अगले वर्ष भी आप सभी हमारे साथ इसी तरीके से दिल से जुड़े रहेंगे। और धन्यवाद, शुभ रात्रि। निनाद डिजिटल उत्सव 2020 का समापन परंपरा के अनुसार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा रचित धुन ओम जय जगदीश हरे के साथ हम करेंगे और इसके साथ ही रघुपत राघव राजा राम ये धुन जो संपूर्ण रूप में हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारी परंपरा है और उस हम परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जया जगदीश हरे, जया जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट चरण में, भक्त जनों के संकट चरण में दूर करे, जया जगदीश हरे। Oh, yeah.
Love, love, love.